लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐसे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है मैच की शुरुआत इंग्लैंड के टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने के साथ हुई और दिन के पहले सत्र में ही मैदान पर जमकर बवाल देखने को मिला इस मैच के शुरुआती दिन दो प्रदर्शनकारी ने स्टेडियम में घुसकर हंगामा कर दिया एक तो मैदान पर खिलाड़ियों तक जा पहुंचा बाद में पुलिस ने इस मामले को संभाला पहले दिन के खेल की सुबह जस्ट स्टॉप ऑयल नारंगी पाउडर का पेंट लेकर पिच पर हमला कर दिया था लेकिन खिलाड़ियों और सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें स्ट्रिप तक पहुंचने से रोक दिया इस दौरान जॉनी बेस्टो डेविड वॉर्नर और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आगे आए और उन्होंने दोनों प्रदर्शनकारियों को रोका हुआ यूं कि मैच के दूसरे ओवर की शुरुआत से ठीक पहले जस्ट स्टॉप ऑयल की टी शर्ट पहने दो प्रदर्शनकारी स्टैंड की सुरक्षा घेरे को पार करते हुए पिच की ओर तेजी से से दौड़े स्टोक्स और डेविड वार्नर ने मिलकर तक पहुंचने से रोका जबकि दूसरे को विकेटकीपर जॉनी बेस्ट्रो ने गोद में उठाकर पिच से बाहर किया बाद में पुलिस ने इस मामले को संभाला और दोनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया इसी बीच एमसीसी ग्राउंड स्टाफ ने आकर आउटफील्ड पर गिरे पाउडर पेंट को हटाया बेसरो को नई ड्रेस पहनने के लिए ड्रेसिंग रूम के लिए जाना पड़ा खेल को लगभग छह मिनट के लिए रोकना पड़ा बता दें कि जस्ट स्टॉप ऑयल यूके के एक पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रुप है जो ब्रिटिश सरकार से नए जीवाश्म ईंधन लाइसेंसी और उत्पादन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है इस ग्रुप की शुरुआत फरवरी 2020 में हुई थी इसने अप्रैल 2022 में इंग्लैंड के ऑयल टर्मिनलों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था स्टॉप ऑयल इससे पहले भी कई मैचों को बाधित कर चुका है